गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। वेलकम बैक इंग्लिश क्लास। इन लास्ट क्लास वी लर्नड अबाउट व्हाट इज अ प्रोनाउंस एंड हाउ इज इट यूज। ओके, सो लेट्स टेक अ स्मॉल रिकैप ऑफ प्रोनाउंस। व्हाट इज प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउंस। नाउंस की रिप्लेस में प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है, उसे जिसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ओके, प्रोनाउंस लाइक नाउंस मे बी सिंगुलर और प्लुरल। द नाउन इज यूज फर्स्ट, सबसे पहले नाउन का यूज़ होता है। ओके, वंस वी नो वो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एक बार हम लोग जान लेते हैं कि किसके बारे में हमें बोलना है। ओके, वी यूज़ अ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ द नाउन। जब नेक्स्ट आपका सेंटेंस आता है तब नाउन की रिप्लेस में प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ओके, इन दिस लेसन्स वी विल लर्न अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, इन प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस। दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, आई, यू, मी, वी, अस, शी, ही, इट, दे, यू, हर, देम, हिम, दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, टुडे वी लर्न अबाउट पजेसिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दीज आर पजेसिव प्रोनाउंस। दीज आर पजेसिव प्रोनाउंस, माइन, हर्स, हीज, आर्स, योर्स, देयर्स आर ऑल्सो प्रोनाउंस। दीज आर पजेसिव प्रोनाउंस। ओके, दे टेल अस हु ओन्स व्हाट, मतलब ये प्रोनाउंस आपके बारे में क्या कह रहे हैं, ये आपको यहाँ पे पता चल जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस प्रोनाउंस। ओके, दैट बाइसिकल बिलोंग्स टू राजा। बाइसिकल किसको बिलोंग्स कर रही है? राजा को, है ना? ओके, सो हियर अंडरलाइन राजा। राजा, इट इज़ माइन। इट इज़ माइन मतलब वो बाइसिकल मेरे लिए है। ओके, ठीक है। दीज बुक्स बिलोंग टू मैरी एंड टॉम। दे आर मैरी एंड टॉम, देर आर टू पर्सन। दीज बुक्स बिलोंग टू मैरी एंड टॉम। बुक्स किसको बिलोंग कर रही है? मैरी एंड टॉम को। देर आर टू पर्सन्स, सो यहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउंस यूज करेंगे? दे, एंड दे इन पजेसिव प्रोनाउन देयर्स। ओके, दिस पैरेट बिलोंग्स टू मीरा। मीरा इज अ गर्ल। मीरा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी एंड हर। तो यहाँ पे मीरा के नीचे अंडरलाइन करना है एंड इट इज हर्स। ओके, दैट हाउस बिलोंग टू माई पेरेंट्स एंड मी। माई पेरेंट्स एंड मी, अंडरलाइन दिस वर्ड। द हाउस इज, मेरे पेरेंट्स और मेरे लिए ये हाउस है। द हाउस इज आर्स मतलब हमारा। आर्स, ओके। दिस शूज बिलोंग टू मी। दिस शूज आर, अब ये शूज किसको बिलोंग कर रहे हैं? मुझे, मतलब शूज किसकी हैं? हमारे। ओके, आर्स। दिस शूज आर आर्स। दिस पेंसिल बिलोंग्स टू यू। पेंसिल किसको बिलोंग कर रही है? आपको। दिस पेंसिल इज योर्स मतलब वो किसकी हो गई? तुम्हारी, मतलब आपकी। यू, योर्स। यू, योर्स। मी, आर्स। ओके, क्लियर? चेक योर आंसर। फर्स्ट माइन, सेकेंड देयर्स, थर्ड हर्स, फोर्थ आर्स, फाइव अगेन आर्स, एंड सिक्स योर्स। ओके, इज दैट क्लियर? दीज आर पजेसिव प्रोनाउंस। ओके, दीज, दैट, दीज एंड दोज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस।
okay, point out nouns to us. When these, that, these and those are used by themselves, they are pronouns, demonstrative pronouns. Read these examples. This pencil is mine. Second, this is mine. In the first example, this is used before the noun pencil. Noun ke pehle is pronoun ka, this ka use hua hai. So, it is not a pronoun. Ye pronoun nahi kehlata hai. Okay. This is mine. Haan. Yahan pe aapko noun dikh raha hai, show kiya gaya raha hai? Nahi. Noun ke replace mein pronoun aaya hai. Okay. In the second example, this is used by itself. Okay. Here it is a pronoun. Noun, pencil. Pencil ke replace mein pronoun ka use hua hai. Okay. Understood? Okay. Fill in the blanks. This, that. Fill in the blanks with this, that, these and those use as pronouns. Remember, aap logo ko yaad rakhna hai. You use the pronouns this and these to point out to things close to you. मतलब जो चीज़ें आपके पास हैं, okay, near, close to you, वहाँ पर आपको this singular के लिए use करना है, अगर एक चीज़ है और दो चीज़ है, तो this use करना है. You use that and those to point out to things not too close to you. जो चीज़ें आपसे दूर हैं, far away, okay, और singular है, मतलब एक चीज़ है, तो that, और दो चीज़ें हैं, तो दो, ठीक है, मतलब जो चीज़ें दूर है तो पास में है तो सिंगुलर के लिए दिस, दो चीज़ें हैं प्लूरल है तो दिस आएगा, और जो चीज़ें दूर है मतलब एक चीज़ है तो वन थिंग है तो आपको डैट यूज़ करना है मतलब सिंगुलर, और दो थिंग है मतलब टू थिंग्स है मतलब मैनी थिंग्स हैं प्लूरल है तो दोज यूज़ करना है जो चीज़ें दूर है. ओके, फरहान इज शोइंग हिज बेडरूम टू हिज फ्रेंड मनन. फरहान अपने फ्रेंड मनन को अपना बेडरूम शो कर रहा है. ओके, फरहान स्टैंड एट द डोर ऑफ हिज बेडरूम एंड पॉइंट्स टू हिज बेड. फरहान अपने बेडरूम के डोर के पास खड़ा है और वहाँ से दूर होके वो बेड की तरफ पॉइंट कर रहा है, इशारा कर रहा है. ओके, ब्लैंक इज माय बेड, मतलब वो दूर से दिखा रहा है तो इसलिए यहाँ पे, और बेड वन थिंग है तो यहाँ पे आएगा डैट, THAT, डैट, डैट इज माय बेड. इट इज़ शेप लाइक अ कार, उसका शेप कैसे है, कार के जैसे. आर माई न्यू शूज़ देयर ऑन द शू रैक नियर द विंडो. फरहान कहाँ पे स्टैंड है, द एट द डोर ऑफ हिज बेडरूम, बेडरूम के डोर के पास खड़ा है, वहीं से वो दूर से अपने शूज़ को दिखा रहा है. और यहाँ पे शूज़ कैसे हैं, पेयर है, दो शूज़ है तो इट मीन्स प्लूरल. ओके, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे दोज. ओके, दोज आर माई शूज, दे आर ऑन द शू रैक नियर द विंडो, डैड गॉट देम फॉर मी एस्टरडे. ओके, ही ओपन्स द कपबोर्ड एंड टेक्स आउट अ स्क्रैबल सेट. वो कपबोर्ड ओपन कर रहा है, मतलब कपबोर्ड के पास है, ठीक है, और उसके हाथ में क्या है, स्क्रैबल सेट. ओके, तो पास में है तो मैंने आपको क्या कहा था, टू पॉइंट आउट टू थिंग्स क्लोज टू यू, दिस एंड दिस. ओके, दिस एंड दिस. अब स्क्रैबल सेट है, ओके, तो सेट टॉप का वन हो गया, तो वहाँ पर आपका आएगा दिस, THIS, दिस. हैव यू एवर प्लेयर स्क्रैबल, वो उसके लिए ऑफर कर रहा है स्क्रैबल खेलने के लिए. मनन, नो बट आई वुड लव टू लर्न हाउ टू प्ले. नहीं, मुझे पसंद है उसको कैसे खेलना सीखना. आई कुड इम्प्रूव माई स्पेलिंग. वॉट आर देयर ऑन द विंडो सील. अब वो वहाँ पे खड़े हैं और विंडो की तरफ उनका पॉइंट्स हैं. ओके, टू पॉइंट आउट टू थिंग्स नॉट टू क्लोज टू यू, जो पॉइंट्स आपके पास नहीं है, फार अवे, दूर है, उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, दी, डैट एंड दोस. और यहाँ पे आर मतलब प्लूरल है तो ये आएगा आपका यहाँ पे दोस, ठीक है. दोस दे आर ऑन द विंडो सील, दे आर फनी लुकिंग थिंग्स. फरहान goes to the window and picks up a pair of dumbbells. अब फरहान विंडो के पास जाता है, पहले तो वो विंडो के दूर था, अब वो विंडो के पास जाता है और वहाँ से डंबल की पेयर उठाता है, ठीक है, पेयर ऑफ डंबल्स प्लूरल.
ओके, और उसके पास में है तो वो दीज, ओके, दीज आर डम्बल्स. हैव यू फॉरगॉटन, वी यूज देम व्हेन वी डिड अ डम्बल ड्रिल इन स्कूल. मनन, ओ यस ऑफ कोर्स. अब मनन वहाँ से दूर है, मनन के पास डम्बल है क्या? नो, फरहान के पास है. ओके, तो फरहान सेड दैट इज समथिंग आई फॉरगॉट ऑल अबाउट, आई वंडर व्हाट आई डिड विथ माइन. ओके, फरहान लुक एट, अब फरहान वहाँ पे खड़ा है और उसका लूडो सेट है उससे दूर है और वो पॉइंट कर रहा है, टू पॉइंट आउट टू थिंग्स सो नॉट सो क्लोज टू यू, मतलब उसके पास नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डैट राइट करना है. ओके, डैट इज माय ओल्ड लूडो सेट. ओके, लेट्स प्ले लूडो, मन सेट डैट विल बी फन. ओके, मनन सेट डैट विल बी फन. ओके, क्लियर? हाँ, ओके, इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया बेटा ये आपको? ओके, हाँ, ओके, मतलब जो चीज़ें पास में हैं उसके लिए आपको दिस और दोज, सॉरी दिस एंड दिस यूज़ करना है, और जो चीज़ें आपके दूर हैं ओके उसके लिए डैट और दोज यूज़ करना है. वन थिंग यू कैन यूज़ दिस, मैनी थिंग्स दिस. ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल सेम वे, जो चीज़ें एक है और दूर हैं उसके लिए डैट, और मैनी थिंग्स है मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और दूर है तो दोज. ओके, इज दैट क्लियर? दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दीज डैट दीज दोज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ओके, एंड लास्ट माइन हर्स हीज आर्स योर्स देयर्स, दीज आर पजेसिव प्रोनाउंस. ओके, आई सेंड यू द PDF फाइल, राइट इट इन योर बुक. ओके, मैं आपको PDF एक सेंड कर दूंगी, आपको उसमें बुक्स में अच्छे से उसको लिखना है. ओके, एंड जस्ट आई लाइक आई टोल्ड यू, यू हैव टू डू इट इन द सेम वे, जैसे मैंने आपको पता है सेम वैसे ही आपको उसको समझना है और लिखना है. ओके, ओके, बाय डियर एंड टेक केयर, स्टे एट होम.